लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों की आड़ में सड़कों पर निकल चुनौती बन रहे लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को पुलिस की सख्ती तेज हो गई। सुबह दफ्तर खुलने के पहले जगह जगह पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हर आने जाने वालों की जांच शुरू की। वहीं सभी की आईडी और पास चेक किए गए। इस दौरान कई लोग बिना वजह घूमते मिले, जिन पर सख्ती हुई। कई जगहों पर ऐसे लोगों को सड़क पर गोला बनाकर उसमें बैठाकर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया गया। पुलिस ने चेतावनी देकर बेवजह घूम रहे लोगों को घर वापस किया। आपको बता दें, दो दिन से सड़क पर भीड़ बढ़ती देख डीएम केविजेंद्र पांडे ने सरकारी कर्मचारियों के घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचने का समय नियत कर दिया था। राज्य कर्मियों को सुबह 8:30 से 9:30 तो केंद्रीय कर्मियों को सुबह 9 से 10 बजे तक घर से दफ्तर पहुंच जाने की हिदायत दी गई थी। इसी तरह शाम को 5:30 से 6:30 के बीच उन्हें घर पहुँच जाने को कहा गया था। साथ ही कर्मचारियों को भी चेताया गया था कि इसके बाद अगर कोई सड़क पर मिला तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसका असर भी दिखाई पड़ा। वहीं जिन सड़कों पर पिछले दो दिन दोपहर में तमाम गाड़ियां दौड़ती दिख रही थी, वहां भी सन्नाटा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने कहा, बिना चेक किए कोई गाड़ी जाए कि नहीं, किराया लगाइए साइड, ये गाड़ी रुके कहां जा रहे हैं बाइक वाले, आप चलिए साइड लगाइए, चेक कराइए और कहां जा रहे हैं। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, कोई बहाना मत बनाए, सभी लोग अपने अपने घरों पे रहें। कहां जा रहे हैं आप जी, चेक कराइए पहले आप, गाड़ी नंबर नोट कराओ, चेक कराओ, कहां दवा लेने जा रहे हो आप, कहां दवा लेते हो, पहले उतरो चेक कराओ, आप नीचे उतरो चेक कराओ, साइड लगाओ चेक कराओ, इनको साइड लगाइए चेक कराइए, रोके जी, पास दिखाइए, चलिए ठीक है चेक कराइए तब जाइए, पहले अपना टेस्टिंग कराइए, साइड लगाइए, पास दिखाइए अपना, किसको बुलाया, चलिए वापस जाइए, बहाना मत बनाइए, चलिए लॉकडाउन करना नहीं, चलिए साइड लगाइए, ये कहाँ जा रहे, वापस जाओ, चलो बहाना मत बनाओ, कहाँ जाओगे आप, चलिए होम डिलीवरी दवा, आप सभी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले सकते हैं, बहाना मत बनाइए, वापस जाइए, चलिए वापस जाइए, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले सकती है, जाइए सभी मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जाइए चलिए वापस जाइए, बहाना मत बनाइए, बहाना मत बनाइए, चलिए वापस रोको, कहाँ जा रहे हो आप, वापस जाइए, बहाना मत बनाइए, कहाँ से रेफर है, रिसीप बताइए अपनी, चेक कराइए, चेक कराइए भैया, चेक चलो चेक करो, वहाँ पर चेक कराओ, सभी लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रहे, सभी लोग दूरी बनाए रहे, मेडिकल स्टोर वाले को कॉल करेंगे और होम डिलीवरी देगी, और मेडिकल स्टोर सभी खुले हुए हैं, आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले सकते हैं, ठीक है चलिए बहाना मत बनाइए, जाइए आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले सकते हैं, जरूरी नहीं आ रहे आप, चलिए वापस जाइए, ये कहाँ जा रहे हैं, चलिए वापस जाइए, बहाना मत बनाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इंटरसेट को चेक करिए, रुको जरा।
जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि जो अपने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस समय कब्जे में ले चुका है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी देश की सरकार द्वारा एक योजना बना करके लॉकडाउन देश में लागू हुआ, जिसको को ध्यान में रखते हुए जो जनता को भी कोई किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल का है और कोई पेशेंट जा रहा है दवा लेने जा रहा है, अन्य इस तरह की जो ज़रूरतें हैं और जो हमारे कर्मचारी उसमें लगे हैं, मेडिकल विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग, सफाई कर्मी, उनको और गाड़ियों को, कुछ गाड़ियों को पास दिया गया है, जारी किया गया है आने जाने के लिए। बाकी जो इस तरह से घूमने वाले हैं उनको पाबंद किया जा रहा है, जगह जगह पे बैरियर लगा करके चेक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप लोग घरों में अपने रहिए और विशेष करके लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क लगाइए। जिसके पास मास्क नहीं है, गाँव देहात में भी काम करते समय वो गमछा का प्रयोग करें, मुँह को ढक करके रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करें गांव में, और शहर में जो कहीं कहीं भीड़ लग जा रही है उसके बारे में भी हम लोग बराबर ध्यान रखे हुए हैं कि उचित दूरी बना करके ही, जब से सब जैसे सब्जियां हैं या कहीं आना जाना हुआ, हर प्रकार के फंक्शन पे रोक लगा दी गई है कि किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा ना हो, कहीं किसी जगह इकट्ठा होकर के लोग ना रहें।